Subscribe Adda 24/7 and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का अड्डा 24/7 में, एक ऐसा चैनल जो लगातार आपके साथ आपको गवर्नमेंट जॉब की तरफ लेकर के चल रहा है और सिलेक्शन दिलवाने में मदद कर रहा है। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है जो हम पढ़ रहे थे, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत के भूगोल से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट तो हमने स्टार्टिंग की थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें या आपको आता नहीं है, हमें पता है तो प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए। स्टार्टिंग चलती रहेगी, प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि पेपर कब होगा या कौन सा आपने पेपर भरा है वो किस तरीके से क्वेश्चन को पुट कर देता है, इस बारे में जानकारी हमें नहीं हो पाती है। इसलिए जल्दी से आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं जो एमसीक्यू से रिलेटेड है। और कंप्यूटर जी, आज का टॉपिक दिखा दीजिए। उसी बीच में जितने हमारे संग हमारे दोस्त लोग जुड़ चुके हैं, वो जल्दी से क्या कर दो, सेशन को लाइक कर दो और शेयर कर दो। इससे पहले कि क्वेश्चन आए, जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर देना चाहिए। तो जल्दी से हम 5 से 10 सेकंड का टाइम लेते हैं, चैट को कैंसिल करिए। गुड मॉर्निंग सभी लोगों के लिए, सुप्रभात सभी लोगों के लिए। और चैट को कैंसिल करके जल्दी से क्या करना है, सेशन को लाइक कर देना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं ये। किसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस? ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के, भारत से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं यहां पर। और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे आने वाले सेशन में फिर से हम करेंगे। तो इसीलिए क्या करना है, लाइक शेयर करते हुए चलना है। चलिए फिलहाल क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो कंप्यूटर जी, पहला क्वेश्चन क्या होगा हमारी स्क्रीन पर? तो पहला क्वेश्चन, भूगोल के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी? एरिस्टोटलीज, हेरोडेटस, कार्ल रिकेटर या कार्ल रिटर या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा जाना जाएगा, भूगोल के पिता के रूप में किसे जाना जाएगा? हाँ, क्या लग रहा है आंसर, ध्यान रख लेना। चलिए कंप्यूटर जी, आंसर शो कर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारे पास क्या, तो आंसर एरिस्टोटलीज हो जाएगा। और इसके बाद हम 20 सेकंड के टाइमर के संग में स्टार्ट नहीं करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन फिलहाल आज के लिए टाइमर रहने देते हैं, क्योंकि पहला क्या मिलता है आपको, आपको पहला यहीं पर ही प्रैक्टिस करवाए जाते हैं क्वेश्चंस के। तो पहले क्वेश्चन का आंसर एरिस्टोटलीज था। हेरोडेटस क्या है, तो हेरोडेटस के बारे में नोट कर लेना, हेरोडेटस के बारे में नोट करना। इसे कहा जाता है इतिहास का जनक, इसे क्या कहा जाता है, इतिहास का जनक कहा जाता है हेरोडेटस को, ठीक है, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडेटस है। और जो कार्ल रिकेटर है वो है फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जो कार्ल रिटर है हमारे पास, ये है फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के पिता के रूप में जाना जाता है कार्ल रिकेटर को, ठीक है, क्लियर। ये एडिशनल पॉइंट नोट करते हुए चलना, कभी कभार पूछ लेता हमसे एग्जाम में। चलिए कंप्यूटर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड आउटसाइड द पोलर रीजन? ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये, पोलर रीजन, क्योंकि अगर दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियर की बात करते हैं तो वो पोल्स में है, या तो नॉर्थ पोल में है या साउथ पोल में है। लेकिन अगर पोलर रीजन से बाहर निकल करके देखते हैं, तो कौन सा इतना बड़ा ग्लेशियर है जिसको हमने कहा कि वो क्या हो जाएगा हमारा, वो दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुझे पता है ये क्वेश्चन क्या होने वाला है, ये क्वेश्चन सबके लिए गुगली होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन नॉर्मली नहीं पढ़ा था हमने, ठीक है। तो आंसर शो करता है कंप्यूटर जी, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर है फेडेंको ग्लेशियर मिल जाता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर मिलता है। फेडेंको ग्लेशियर दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन आ जाएगा हमारे सामने, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज रिलेटेड टू द हुंजा रिवर,
ठीक है, हुंजा रिवर किससे रिलेटेड है? ठीक, हुंजा नदी से रिलेटेड कौन सा ग्लेशियर मिलता है हमें? हुंजा नदी, ठीक है, कौन सा ग्लेशियर हुंजा नदी से रिलेटेड मिलेगा? तो हुंजा नदी क्या है, हिस्पार नदी में जाकर के मर्ज हो जाती है, ऐसा कहा गया है। तो इसीलिए आंसर्स आपके सामने जो आने वाला है वो कौन सा आंसर रहेगा, क्योंकि शुरुआत के 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे छांट करके निकाल के लेकर के आया हूं मैं, जिन क्वेश्चन के बारे में हम कह सकते हैं कि बहुत यूनिक, कभी बहुत टिपिकल पेपर बनाना होता है एसएससी को तो इन क्वेश्चंस को पुट करता है। ठीक है, बहुत टिपिकल पेपर बनाना होता है तो वो इस क्वेश्चन को पुट करता है, इन प्रकार के क्वेश्चन को पुट करता है। तो हुंजा रिवर किससे रिलेटेड है? तो आंसर क्या हो जाएगा कंप्यूटर जी? तो आंसर हो जाएगा हिस्पार नदी से रिलेटेड है हुंजा, ठीक है, हुंजा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, कौन सा एक काराकोरम श्रेणी से संबंधित नहीं है? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन, काराकोरम से कौन सा संबंधित नहीं है? खुर्दालपो, लोलोफंद, यारकंद रेमो या गंगोत्री? तो बहुत सिंपल, थोड़ा सा करो, ये क्वेश्चन भी क्या हुआ है, देखने में बहुत टिपिकल लग रहा है, लेकिन अगर ऑप्शन आप पढ़ोगे ना तो खुद पता चल जाएगा। और एक ऑप्शन तो आपको 100% पता है, क्या पता है कि गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर क्या नहीं है, गंगोत्री ग्लेशियर काराकोरम में नहीं है, क्योंकि काराकोरम रेंज का है, काराकोरम रेंज है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं जो हमारा काराकोरम रेंज है वो काराकोरम रेंज जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, जबकि गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पर है? गंगोत्री ग्लेशियर मिल जाता है उत्तराखंड में। ठीक, तो बिल्कुल साफ सी बात हो गई यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कंप्यूटर जी आंसर शो कर दीजिए, गंगोत्री ग्लेशियर और आंसर के बाद अगला क्वेश्चन, मंदाकिनी नदी उत्तराखंड वाले रीजन में बहती है, मंदाकिनी नदी उसका स्रोत क्या है? मंदाकिनी नदी का स्रोत क्या है, टोंगो है, छोटा शिंगरी है, लोनक है या चोराबरी ग्लेशियर मिलेगा? मंदाकिनी नदी ये अलकनंदा की सहायक नदी के तौर पर भी मानी जाती है। ठीक है, मंदाकिनी का स्रोत बताना है आपको क्या है ये, तो 5वें का आंसर क्या हो जाएगा कंप्यूटर जी, जल्दी से आंसर हम देख लेते हैं, तो वो है चोरबारी ग्लेशियर। मंदाकिनी नदी का जो सोर्स है वो कौन सा मिलेगा, चोरबारी ग्लेशियर, मंदाकिनी नदी का स्रोत मिलता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मिल चुका है, विच इज ग्लेशियर इज लोकली रेफर्ड एज अ बमका एंड लोकेटेड नियर द भागीरथी बेसिन? कौन सा ग्लेशियर जिसे स्थानीय रूप से बमका के रूप में जाना जाता है और भागीरथी के पास में है वो? ठीक है, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, मानता हूँ थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को समझो, थोड़ा दिमाग लगाओ, उसी बीच में क्या करना है, चैट को थोड़ा कैंसिल करो, आपस में बातें थोड़ी कैंसिल करो और जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दो, लाइक और शेयर कर दो, ये आपकी ड्यूटी, आपको याद दिलवाना पड़ता है, बार बार याद दिलवाना पड़ता है, भैया लाइक करो, भैया शेयर करो, लेकिन नहीं जी हम तो नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, कंजूसी दिखाएंगे, महंगे हो गए हैं लाइक और शेयर भी। ठीक है, तो यहाँ पर लाइक और शेयर जल्दी से करते हुए चलना है हमें, ठीक, जल्दी से लाइक और शेयर करो, क्वेश्चन को पढ़ते हुए लाइक और शेयर करते हुए चलो, क्योंकि इसके बाद हम पहुँचेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, लेकिन उससे पहले लाइक और शेयर होने चाहिए। ठीक, क्लियर यहाँ तक? तो जल्दी से इनको हम बढ़ाते हैं, लाइक्स बढ़ाते हैं, क्योंकि वही मोटिवेशन का काम करता है। और अगले क्वेश्चन यानी कि आंसर्स की ओर चलते हैं, आंसर क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा डुकरानी ग्लेशियर उत्तराखंड के पास में स्थित है ये। ठीक है, अब जब हमने भागीरथी पढ़ा तो भागीरथी कहाँ मिलेगा, उत्तराखंड वाले रीजन में, तो डुकरानी ग्लेशियर उत्तराखंड वाले रीजन पर भागीरथी के पास में मिलता है। ठीक, बाकी जो ग्लेशियर है वो भी उत्तराखंड में है, कोई पिथौरागढ़ वाले रीजन पर मिल जाता है, ठीक है, कोई गढ़वाल वाले रीजन में मिलता है, ये हम यहाँ पर देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत इजी क्वेश्चन होने वाला है ये, और गड़बड़ कोई नहीं करेगा, गड़बड़ कोई नहीं करेगा, इतना आसान क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो गलत करने की गुंजाइश बिल्कुल कम रहती है, क्योंकि अगर आपने गलत कर दिया तो क्या हो जाएगा,
तो फिर आपका 1.25 मार्क्स कट हो जाएगा, क्योंकि 1 मार्क्स तो क्वेश्चन गलत करने का और 0.25 की क्या है नेगेटिव मार्किंग। NTPC में तो 0.3 नंबर की यानी कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, बड़ी नेगेटिव मार्किंग होती है भैया, UPSC रखता है इस तरीके की नेगेटिव मार्किंग। सॉरी। हाँ, तो माउंट एवरेस्ट का नाम बताना जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत ठीक, सागर माथा सही बताया सभी लोगों ने, बिल्कुल लाइक बनता है सागर माथा के ऊपर। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आंसर सागर माथा। और अगला प्रश्न जो आ रहा है वो है, बाय विच नेम इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया द हिमालय इज नोन। नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहाँ पर पड़ेगा, तो जो हमारा उत्तर पूर्वी भारत है, उत्तर पूर्वी भारत में हिमालय को किस नाम से जाना जाता है। अब बताना है जल्दी से आप लोगों को कि उत्तर पूर्वी भारत में हिमालय को किस नाम से जाना जाएगा, शिवालिक, बनिहाल, पीर पंजाल, पूर्वांचल। जल्दी से आंसर बताना, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन, इतना सिंपल कि इतने सिंपल में तो आप फट से लाइक भी कर सकते हैं। इतना सिंपल क्वेश्चन है कि शिवालिक कहाँ है, बनिहाल कहाँ है, पीर पंजाल कहाँ है, पूर्वांचल कहाँ है। तो आपको पता है पीर पंजाल रेंज जम्मू कश्मीर में पड़ती है, शिवालिक रेंज कहाँ पड़ती है, शिवालिक रेंज पड़ती है जो हमारा यूपी के नीचे का आसपास का इलाका है वो शिवालिक रेंज का है, बनिहाल दर्रा फिर से ऊपर पड़ जाएगा। तो बचा कौन सा आंसर, बचा कौन सा आंसर, तो सही जवाब, सही आपका आंसर आया वो है पूर्वांचल। ठीक है, पूर्वांचल बिल्कुल सही जवाब आया है, तो ये ध्यान रख लेना, पूर्वांचल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, विच रिवर सेपरेट वेस्टर्न हिमालय फ्रॉम नेपाल हिमालय। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पर। क्यों इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि जब हम हिमालय को पढ़ते हैं ना, तो हम हिमालय को शुरुआत से लास्ट तक एक ही तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन हिमालय को अलग अलग तरीके से बीच में नदियों के द्वारा डिवाइड किया गया है, और उनका अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम है। जैसे नेपाल में महाभारत हिमालय नाम रख देते हैं हम, हिमालय वाला नाम, ठीक है, हम पंजाब हिमालय को बोल दिया जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर बोला कि पश्चिम हिमालय को हिमालय से कौन सी नदी अलग करती है, काली नदी, अलकनंदा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी। तो हमें पता है कोसी नदी कहाँ बहती है, बिहार वाले रीजन पर। अलकनंदा नदी कहाँ, उत्तराखंड में। गंडक नदी नेपाल के बीच में से निकलेगी, ठीक। तो आंसर क्या मिलना चाहिए हमारे पास, तो आंसर अगर देखते हैं कंप्यूटर जी क्या हो जाएगा, काली नदी, काली रिवर आंसर हो जाएगा, कि जो काली नदी है वो क्या है, वो हमारे पश्चिम हिमालय को नेपाल हिमालय से अलग करती है। मतलब क्या है कि अगर मैं सिंपल और साधारण शब्दों में बताऊं, तो जो काली नदी मानी गई है, ठीक है, शारदा नदी भी इसको हम बोलते हैं, ये नदी उत्तराखंड, ये नदी क्या, उत्तराखंड और नेपाल के बीच में सीमा रेखा बनाती है। ये नदी उत्तराखंड और नेपाल के बीच में बाउंड्री बनाती है, काफी हद तक ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हुई जाती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न जो हमारे सामने आ रहा है वो ये है कि भारत का कौन सा हिस्सा गोंडवाना का है। अब अगर आपने पढ़ा होगा तो सबसे पहले हमने देखा था कि जब हमारी पूरी पृथ्वी गोल हुआ करती थी, पूरी पृथ्वी गोल हुआ करती थी, तो चारों तरफ एक सागर से घिरी हुई थी, ठीक है, चारों तरफ एक सागर से घिरी हुई थी, और बीच में जो जमीन वाला हिस्सा था उसको बोला गया था पेंजिया, और इस सागर को नाम बोला गया था पैंथालासा, ठीक है, इसको पेंजिया नाम बोला गया था, इसको पैंथालासा। बाद में ये जो पेंजिया वाला हिस्सा है ये क्या हुआ, ये दो पार्ट में, जमीन के दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, एक बना हमारा अंगारा लैंड और एक बना हमारा गोंडवाना लैंड, ठीक है, एक ऊपर वाला अंगारा लैंड बन गया और एक नीचे वाला गोंडवाना लैंड बन गया। और जो हमारा गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, तो कंप्यूटर जी आंसर शो कर दीजिए कौन सा हिस्सा है, वो हमारा दक्षिण भारत का इलाका, दक्षिण भारत का इलाका, दक्षिण भारत का इलाका कौन सा, जो प्रायद्वीपीय भारत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई कि जो हमारा दक्षिण भारत का इलाका है वो गोंडवाना, बिल्कुल कठोर चट्टानों का और बहुत पुरानी चट्टानें हैं, इसलिए वहाँ पर भूकंप के झटके महसूस नहीं होते, बहुत कम अर्थक्वेक का आने की संभावना रहती है वहाँ पर,
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इलेवन क्या बोल रहा है? खारदुंगला माउंटेन पास भारत के किस राज्य में स्थित है? खारदुंगला माउंटेन पास भारत के किस राज्य में स्थित है? खारदुंगला माउंटेन पास भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जल्दी से इसका आंसर बताना है हमें, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या फिर सिक्किम, खारदुंगला माउंटेन। तो कंप्यूटर जी आंसर क्या हो जाएगा इसका? खारदुंगला का जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर क्या हो गया, आप तो भारत के संग मर्ज भी हो गया है, ठीक है, धारा 370 एक और दो हट चुकी है, तो अब तो एक लाइक बनता है भाई, अब तो लाइक बनता है। सेशन को लाइक और शेयर करना मत भूलना, जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए बिल्कुल वेलकम यहाँ पर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित चोटियों में से कौन सा एक ग्रेट शो के पांच खजाने, चलो इंग्लिश में पढ़ते हैं इसको, बोला है फाइव ट्रेजरी ऑफ ग्रेट शो के रूप में जाना जाता है। किसे जाना जाता है? लोहतस, गॉडविन ऑस्ट्रिंग, कंचनजंगा या फिर धौलागिरी। किसे जाना जाएगा ग्रेट शो के पांच खजाने के रूप में, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रेट शो के पांच खजाने के रूप में जाना जाता है? लोहतस, गॉडविन ऑस्ट्रिन, कंचनजंगा या धौलागिरी। जल्दी से आंसर बताना आपको 12वें का आंसर क्या होने वाला है, और बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या है ये जो पर्टिकुलर यूनिक से वर्ड आ जाते हैं ना, कि फाइव ट्रेजरी ऑफ ग्रेट शो किसे कह रहे हैं, सिटी ऑफ सेवन आइलैंड्स किसे बोल रहे हैं, सिटी ऑफ लेक्स किसे कह रहे हैं, वैली ऑफ थाउजेंड स्मोक किसे कहा जाता है, सॉरी, इस तरीके के जितने भी हमारे यहाँ पर क्या मिल रहे हैं, सब नेम मिल रहे हैं, उनके नाम पता होने चाहिए। और इसका नाम क्या होगा कंप्यूटर जी, आंसर शो कर देते हैं, आंसर है कंचनजंगा। कहाँ है? भारत में केटू के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो पड़ती है सिक्किम में, जो कहाँ पड़ती है, सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा। और कंचनजंगा को हमने क्या बोला है, कंचनजंगा को हमने बोला फाइव ट्रेजरी ऑफ ग्रेट शो, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा, इन विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लोकेटेड द बनिहाल पास। बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? आसान क्वेश्चन, क्योंकि जब आप दर्रे पढ़ते तो उन दर्रों में से फेमस दर्रा एक ये भी आता है, आने वाली क्लास में हम दर्रे भी पढ़ेंगे, फिलहाल प्रैक्टिस तो करें। तो बनिहाल दर्रा कौन से राज्य में स्थित है? जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या सिक्किम में। तो कंप्यूटर जी आंसर शो कर दीजिए, आंसर क्या होने वाला है हमारा, आंसर होने वाला है जम्मू कश्मीर। आंसर क्या रह जाएगा, जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रा स्थित है। कुछ दो चार दर्रों के और नाम ध्यान रख लेना जो जम्मू कश्मीर में मिलते हैं, जैसे बनिहाल बताया यहां आपने, बनिहाल के बाद लिख लेना जोजिला दर्रा के बाद आ जाता है बारामूला दर्रा के बाद आ जाएगा इसमें, इतने काफ़ी रहेंगे जो इम्पोर्टेंट हमारे पास मिल जाते हैं, वरना सियाचिन ग्लेशियर भी यहीं पर ही जम्मू कश्मीर वाले रीजन में ही मिलता है, ठीक है। तो ये बनिहाल दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, तो अगला प्रश्न क्या रहेगा, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पास द रिवर सतलुज एंटर्स इंडिया फ्रॉम तिब्बत। तिब्बत से बहने वाली जो सतलुज नदी है वो भारत में कौन से दर्रे के द्वारा प्रवेश करती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है ये, एसएससी ने ना जाने कितनी बार इसको पूछा है, ठीक है, एसएससी ने बहुत बार इसे पूछा है कि सतलुज नदी भारत में कौन से दर्रे से प्रवेश करती है, बस पूछने की लैंग्वेज घुमा फिरा करके अलग कर दी जाती है, लेकिन सार वही निकलता है कि सतलुज नदी भारत में कौन से दर्रे से प्रवेश करती है। अब हमें पता है सतलुज नदी क्या है, एक बड़ी नदी है, और बड़ी नदी में क्या चलेंगे, तो शिप चलेंगे। तो आंसर क्या होने वाला है, तो आंसर बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं, आंसर क्या हो जाएगा कंप्यूटर जी, आंसर हो जाएगा शिप किला।
आंसर क्या हो जाएगा? शिपकिला। तो सहसे सतलुज, सहसे शिपकिला, याद रख लेना। ठीक है, सतलुज नदी कौन से दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? तो शिपकिला दर्रे से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक, शिपकिला दर्रे से सतलुज नदी क्या कर रही है? भारत में प्रवेश कर रही है। चलो, ये यहाँ तक की पॉइंट की बात कर रहे थे। इससे पहले हम 15वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लाइक करते हुए चलना है आप लोगों को, लाइक करते हुए चलना है, क्योंकि लाइक्स नहीं बढ़ रहे हैं और वॉचिंग भी आप लोगों को बढ़ानी है। मैंने कहा था आपका काम याद दिलवाना पड़ता है, बार बार पिंच करना पड़ता है कि नहीं, ये काम आपको करना है, ये आप काम करना है। ठीक है, चलो ठीक है, शेयर जल्दी से कर दो सभी लोग, क्योंकि वॉचिंग बढ़ेगी तभी क्या हो पाएगा, मोटिवेशन और बहुत सारे दूसरे इफेक्ट, दूसरी चीज़ें कंटिन्यू हो पाएंगी। ठीक, चलो, सतलुज नदी तिब्बत से प्रवेश करती है, सॉरी, तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है शिपकिला दर्रे से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज समथिंग नोन एज थर्ड पोल, पृथ्वी का तीसरा ध्रुव किसे कहा जाता है? पृथ्वी का तीसरा ध्रुव किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो कंप्यूटर जी ने पहले ही आंसर शो कर दिया, वो है सियाचिन ग्लेशियर। लेकिन अब एक एडिशनल पॉइंट आपको बताता हूँ। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर तो आपको मिल गया कि पृथ्वी का क्या है, तीसरे ध्रुव के तौर पर माना गया है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में सियाचिन ग्लेशियर ना दे करके ऑप्शन में अगर आपको दे दे यहाँ पर माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन में क्या दे दे, माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट की हाइट सबसे ज़्यादा होने की वजह से इसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी माना जाता है। ठीक है, इसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी माना जाता है, ये पॉइंट भी याद रख लेना। दो ध्रुव, एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव, और एक ऊंचाई की वजह से हमने क्या बोला, माउंट एवरेस्ट। लेकिन ऑप्शन में अगर देखें तो ऑप्शन में माउंट एवरेस्ट कहीं पर भी नहीं था, तो इसीलिए आंसर क्या मिला हमारे पास, सियाचिन ग्लेशियर मिला आंसर हमारे पास। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? चलो, बढ़िया बात, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओल्डेस्ट माउंटेन इन इंडिया। बहुत आसान क्वेश्चन और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, एनटीपीसी का बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। ठीक है, भारत का सबसे सबसे पुरानी माउंटेन रेंज कौन सी है, या तो ये पूछ ले या ये पूछ ले कि भारत की सबसे पुरानी हिल्स कौन सी है, अरावली हिल, विंध्य हिल, सतपुड़ा हिल, या फिर नीलगिरी हिल। सबसे पुराने हिल्स कौन से मिलेगी, सबसे पुराने पहाड़ कौन से मिलेंगे, जल्दी आपको बताना है। 16 का आंसर क्या होने वाला है, और बहुत इजी क्वेश्चन, देख रहा हूँ ज़्यादातर लोगों ने सही जवाब दे रहे हैं, तो जिनके लिए सही जवाब उनके लिए मेरी तरफ से लाइक, और आप भी सेशन को लाइक करना मत भूल जाना। तो आंसर क्या होगा कंप्यूटर जी, अरावली हिल्स, अरावली हिल्स सही जवाब है। भारत के सबसे पुराने पहाड़ अरावली, और सबसे नए पहाड़ कौन से हो जाएंगे, तो हिमालय वाले। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, द वेस्ट वेस्टर्ड बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार, द वाटर शेड्स बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार इज फॉर्म्ड बाई। देखो, वाटर शेड का मतलब क्या होता है कि भारत और म्यांमार के बीच में, अब भारत को अगर हम देखते हैं तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट वाला रीजन कुछ इस तरीके से हमारे पास मिल जाता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट वाला रीजन कुछ इस तरीके से हमारे पास मिल जाता है। तो ये बोला कि भारत, ये हो गया इंडिया वाला रीजन और म्यांमार वाला रीजन, ये यहाँ पर कौन सा ऐसा एक पहाड़ है जो क्या बना रहा है, जो वाटर शेड बना रहा है, मतलब कि वो दूसरी तरफ बारिश करवाने से रोक देने का काम कर रहा है। ठीक है, तो कौन सा मिलेगा हमारे पास, अब देखो, गारो खासी जयंती, ये तीनों मेघालय में पड़ती है, गारो खासी जयंती, तो ऑप्शन बनता ही नहीं है। अब बनेगा क्या ऑप्शन, सिंपल सी बात, समझ में आ गई ना बात, कंप्यूटर जी आंसर शो कर दीजिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। देखो, बहुत बार हमें काम क्या करना पड़ता है, ऑप्शन में से आंसर निकालना पड़ता है, और अगर ऑप्शन में से आंसर निकालना पता रहेगा तो आप बड़े बड़े तरीके से ज़्यादातर आंसर को सही कर पाओगे। क्योंकि मुझे अगर यहाँ पर नहीं पता ना वाटर शेड क्या है क्या नहीं है, मुझे ये तो पता है कि गारो खासी जयंती तीनों मेघालय में है, तो वो म्यांमार को टच नहीं करती हैं, तो इसलिए बचा हुआ आंसर ही मेरा क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा,
18 नंबर क्वेश्चन, न्यूएस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। ये अभी अभी बात हुई थी, लगता है पेपर ही मैंने क्या कर दिया, क्वेश्चन डिस्क्लोज कर दिया था। न्यूएस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, भारत की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला और सबसे पुरानी, तो सबसे पुरानी अरावली हो गई और सबसे नई तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। और आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है, हिमालय। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत की क्या है, सबसे पुरानी सबसे नई पर्वत श्रृंखला है। ये सबसे नई पर्वत श्रृंखला हिमालय माउंटेन रेंज मिलती है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने पहुंच रहा है, ठीक है, हिमालय माउंटेन रेंज की हम बात कर रहे थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे लिए आएगा यहाँ पर, हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट, उत्तर पूर्वी राज्यों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उत्तर पूर्वी राज्यों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो गारो हिल, सारामती, पटकोई बूम, या इनमें से कोई नहीं। उत्तर पूर्वी राज्यों की सबसे ऊंची चोटी, जल्दी से आंसर बताना आप लोगों को कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट, या अगर मैं सिंपल बात करूं तो इसको दूसरे तरीके से लिखा हुआ आता है, क्वेश्चन आता है पूर्वांचल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। क्वेश्चन क्या आता है, पूर्वांचल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो पूर्वांचल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होने वाली है, बिल्कुल बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है। जो सही जवाब दे रहे हैं उनके लिए बिल्कुल लाइक बनता है, क्योंकि सही जवाब क्या मिल रहा है हमारे पास, सारामती। सही जवाब क्या मिल रहा है, सारामती सही जवाब है, जो उत्तर पूर्वी राज्यों की सबसे ऊंची चोटी हो रही है। और क्या यहाँ पर हम बच्चों को इनका सरप्राइज बता पाएंगे कंप्यूटर जी, ठीक है, क्योंकि अब ये सरप्राइज जो हमारे पास मिलता है ये हम यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए क्या आ गया है, आपके लिए आ गया है बिगेस्ट स्टूडेंट कार्निवल। इसमें आप कुछ भी परचेस करते हैं तो वो क्या होता है, 40% तक आपको डिस्काउंट दिया जाएगा, और साथ ही साथ जितने भी स्टूडेंट जो भी कुछ भी ले रहा है, चाहे वो 50 रुपये का कोई भी स्पीड टेस्ट हो, कोई भी टेस्ट सीरीज या एक्स वाई जेड, जो भी आप चीज़ें देखते हैं, सब को एश्योर्ड गिफ्ट मिलेगा। और उस एश्योर गिफ्ट के मिलते ही, यानी कि परचेस करते ही एश्योर गिफ्ट आपको मिलेगा, और साथ ही साथ आप एंटर कर जाएंगे किसके अंदर, एक लकी ड्रॉ के अंदर। और इस लकी ड्रॉ में आपको आईफोन 11 मिल सकता है अगर आप लकी विनर बनते हैं। और इसके अलावा और बहुत सारे बम्पर गिफ्ट वहां पर आपके लिए रखे गए हैं, क्योंकि क्या है, 30 लाख प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात चल रही है और पूरा वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं हम, तो कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा जो यहां पर आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं या कोई भी चीज़ लेना चाहते हैं तो उसके लिए जल्दी से Adda247 के स्टोर पर जाइए, और चीजें अपने आप आपके सामने आती चलती चली जाएंगी। चलिए वापस आते हैं कंप्यूटर जी हमारे क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। हाउ मच एरिया ऑफ परसेंटेज ऑफ माउंटेन कवर इन इंडिया, भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रों में वन शामिल हैं, भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र, कितने प्रतिशत वन क्षेत्र, सॉरी पर्वतों वाला क्षेत्र है, सॉरी यहाँ पर क्या बताना है हमें कि भारत में कितने प्रतिशत में पर्वतों वाला क्षेत्र है। दो पर्वतों का परसेंटेज है वो इंडिया के कितने प्रतिशत इलाके पर फैला हुआ है, पर्वतों का प्रतिशत भारत में कितने प्रतिशत इलाकों पर फैला हुआ है, ये आपको बताना है यहाँ पर। 21%, 18%, 25% या 20%, कितने प्रतिशत में हमारे भारत के अंदर हमारे पर्वत फैले हुए, पर्वत मतलब हिमालय पर्वत है, विंध्य सतपुड़ा आ गया, वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, पूर्वांचल वाला सारा रीजन आ चुका है, और हम कौन सा छोड़ रहे हैं, अरावली वाला सारा छोड़ रहे हैं, तो वो जो सारा इलाका पर्वतों वाला है सॉरी वो कितने में है ये आपको बताना है। तो कंप्यूटर जी आंसर शो कर दीजिए, 18% में क्या है हमारा पर्वतों वाला इलाका फैला हुआ है, ठीक है। चलिए बाकी अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं,
अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है। अब ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसके लिए 5 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए आपको, इसके लिए आपको 5 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन या नाइट्रोजन। तो बिल्कुल सही जवाब, सबसे ज्यादा पाया जाता है भैया नाइट्रोजन, 78%। ठीक है, चलो कंप्यूटर जी आंसर शो करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट, ये बताया गया था शायद आपको, नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट जब एटमॉस्फेयर पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे हाइट पर जाते हैं हम कहाँ पर, शोभ मंडल पर, तो तापमान क्या होता है, कम होता है, किस रेट से कम होता है, अब यहाँ नहीं बताऊँगा, यहाँ दोबारा से डिस्कशन में नहीं करूँगा, प्लेलिस्ट में जाना एटमॉस्फेयर वाला, उसमें एक वीडियो होगा उसको देखना, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, क्योंकि आंसर बहुत सारे स्टूडेंट सही दे रहे हैं। और आंसर क्या हो जाएगा कंप्यूटर जी, आंसर हो जाएगा कि हम जब 1000 मीटर ऊंचाई पर चलते चले जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी होती चली जाएगी, मतलब पर 1000 में 6.5, अगले 1000 में 6.5, अगले 1000 में 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी होती रहेगी। ठीक है, क्लियर, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, द लिमिट ऑफ क्लाउड्स, बादल कौन सी सतह तक बनते हैं, बादल कौन सी सतह तक बनेंगे, ये आपको बताने की, बादलों की सतह है, बादल कौन से सतह तक बनते हैं, तो बादलों के बनने की सीमा कितनी होती है, और हमें पता है बादल मतलब मौसम, और मौसम की सभी गतिविधियां कहाँ होती हैं, मौसम की सभी गतिविधियां होती हैं हमारी धरती के पास वाली लेयर में, और धरती के पास वाली लेयर कौन सी हो जाएगी, तो धरती के पास वाली लेयर होगी हमारी शोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर। बहुत सही कंप्यूटर जी ने सही जवाब दे दिया, और बाकी हमारे स्टूडेंट ने भी सही जवाब दिया यहाँ पर, तो जिन्होंने सही दिया ना उनके लिए बिल्कुल लाइक बनता है। देखो क्वेश्चन बिल्कुल सीधा था, लेकिन सिर्फ क्या किया गया, घुमा करके पूछा गया ये, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा अगर क्वेश्चन को समझोगे ना बहुत जल्दी और सटीक आंसर दे पाओगे आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, विच गैस इज सेकेंड मैक्सिमम बाय वॉल्यूम इन द अर्थ एटमोसफेयर, हमारे पृथ्वी के एटमोसफेयर में दूसरी बड़ी गैस कौन सी है, ये आपको बताना है, पृथ्वी के एटमोसफेयर में दूसरी बड़ी गैस कौन सी है, ये आपको बताना है। ठीक है, और अगले क्वेश्चन की ओर चले, तो अगला क्वेश्चन क्या आने वाला है, 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, 25 नंबर क्वेश्चन है कि हवा की दिशा किस उपकरण के द्वारा मापी जाती है। ठीक है, अब एक बार जल्दी से दोनों क्वेश्चन पर देखते हैं, क्योंकि यहां पर दोनों क्वेश्चन के आंसर नहीं है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 24 एंड क्वेश्चन नंबर 25, इनके आंसर क्या करेंगे आप मुझे वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे कि 24 का आंसर क्या है, ABCD है, और 25 का आंसर ABCD में से क्या होने वाला है। 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से, और 24 नंबर क्वेश्चन भी एक बार कंप्यूटर जी दिखा दीजिए, एक स्लाइड पीछे करते हैं, 24 नंबर क्वेश्चंस आपके सामने आ चुका है, एक जगह पूछा है कि दूसरी बड़ी गैस कौन सी है, और एक जगह क्या पूछ रखा है कि कौन सी गैस हमारे यहाँ किसके द्वारा हवा की दिशा को मापा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर हम देख रहे हैं, और सेशन को लाइक जरूर करके जाना, सेशन को लाइक जरूर करते हुए जाना, और जो आपको सेल के बारे में बताया था, स्टूडेंट कार्निवल, पूरा का पूरा फेस्टिवल, जो पूरा फेस्टिवल मंथ यहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है अड्डा 24/7 में, वो और उसका फ़ायदा ज़रूर उठाना यहाँ पर। तब तक के लिए सेशन को लाइक और शेयर करो, न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी से करो यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि कल अगली क्लास में हमारी और ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट और ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ने वाले हैं, करने वाले हैं। तब तक के लिए हमारे संग बने रहिए अड्डा 24/7 के संग में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।